सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि सीबीएसई की तरफ से एक नया अपडेट आया है, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, ठीक है। जैसे सीबीएसई ने कहा है कि हाँ, हम अपने एग्जाम कब से कंडक्ट करवाने वाले हैं। बच्चों के मन में काफी कंफ्यूजन थी ऑल ओवर कि हाँ, एग्जाम होंगे कब, होंगे इन द मंथ ऑफ द मार्च या अप्रैल, कब होगा। क्योंकि सीबीएसई ने भी टर्म फर्स्ट के रिजल्ट को नहीं निकाला है, अभी तक रिजल्ट कोई डिक्लेयर नहीं किया है, ना ही अभी तक कोई डेट वगैरह भी प्रॉपर मेंशन किया गया है। बच्चों के मन में अभी भी कंफ्यूजन वगैरह चल रही है, क्या है क्या नहीं है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को सीबीएसई ने दूर कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पे डेट मेंशन किया गया कि 26 अप्रैल ऑल ओवर, ठीक है। अभी डेट शीट आपकी आई नहीं है, बस सीबीएसई ने डेट ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, जो हम अपने एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे 10th और 12th के टर्म 2 के एग्जामिनेशन, वो कब से होने वाले हैं, 26 अप्रैल से, जो कि यहां पे डेट साफ मेंशन किया गया है, देखा गया है। और ये सीबीएसई की तरफ से कल ही एक नया अपडेट आया है, नया एक इशू, एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को पैनिक होने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। दैट मीन्स 26 अप्रैल, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे सफिशियंट टाइम है, जहां पे आप अपने जो भी सिलेबस वगैरह है इकोनॉमिक्स के, बिजनेस स्टडीज के, वो सारे टॉपिक्स आराम से क्लियर कर सकते हो। तो जैसा कि हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है कि जहां पे हम एक एक चैप्टर करेंगे, कुछ चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ चैप्टर्स ऑल ओवर आपके होने वाले हैं। तो सारे चैप्टर्स यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म टू का सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत, बहुत प्यार के साथ, बहुत आराम से हम अपने सारे कोर्स को क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे ऑल ओवर, ठीक है। और रिविजन क्लासेस वगैरह भी यहाँ पे कंटिन्यू की जाएगी, पर बने रहिए हमारे चैनल पे। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए जो टर्म टू के लिए अपनी प्रिपरेशन को जारी कर रहे हैं। और बिल्कुल ऑल ओवर बने रहेगा हमारे चैनल के अंदर, और ऐसे ही सारे अपडेट्स और सारे सिलेबस आपको इस प्लेटफॉर्म पे दिए जाएंगे।